मिताली, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम जाकर अपने साइंस के उस पार्ट के साथ शुरुआत करेंगे जो बेसिकली लिविंग थिंग्स के साथ बात करता है या फिर लिविंग थिंग्स की स्टडी में डील करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। कोई भी चीज, कोई भी स्टडी, जब हम किसी लाइफ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो मेनली उसे बायो के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे पार्ट्स नहीं है, हमें पार्ट्स में पढ़ना भी नहीं है, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि हम लाइफ के बारे में अगर पढ़ते हैं, किसी भी छोटे चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी जीव जंतु हो, किसी के बारे में भी अगर हम पढ़ेंगे तो हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैंने यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट बोला है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब बिल्कुल एक ऐसी नींव जो हमारी लाइफ जिसपे टिकी हुई है। तो ऐसी कौन सी चीज है, जैसे हमने बाकी के पहले 4 चैप्टर्स में भी ये पढ़ा कि मैटर क्या है, मैटर को कितना डिटेल में पढ़ा, पर सबसे पहले हमने उसका नींव क्या पढ़ी, उसके बारे में बेसिक चीज क्या पढ़ी, वो ये कि वो एक एटम से बनता है। यानी कि किसी भी चीज, कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर आपके सामने इस वक्त पड़ी है, चाहे जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, जिस पेन से आप लिख रहे हो या फिर जिस फोन को आप देख रहे हो, है ना, सभी चीजें कैसी है, मैटर है। और मैटर के अंदर क्या सबसे बेसिक होता है, एटम। उसी तरीके से जो आप पढ़ रहे हो यानी कि खुद, तो ठीक है, वो कौन है, वो एक बॉडी है। और हमारे बॉडी के अंदर सबसे बेसिक क्या होता है, वो है सेल। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि कोई भी रिमोट को चलाना है, फोन को चलाना है तो इट नीड्स अ बैटरी, सिमिलरली इस बॉडी को चलाना है तो इट नीड्स अ सेल। अब ये सेल और वो दोनों वो सेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वही जानने के लिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक कंपैरिजन देती हूँ कि आप डेली लाइफ में, आपकी एवरीडे लाइफ में आप सेल को कैसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वुड बी एन इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। आपको इस चैप्टर के बारे में जान के अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है काफी। ठीक है, तो इसलिए एक इंट्रोडक्शन आपको हेल्प करेगा। चलिए एक बार देखते हैं कि है क्या ये। सपोज मैं एक बिल्कुल शुरुआत करती हूँ एक नॉन लिविंग यानी कि ईंटों के साथ। ठीक है, जैसे किसी घर की नींव ईंटों से रखी जाती है यानी कि ब्रिक्स। क्या होता है, सबसे पहले आपकी ब्रिक्स जुड़ती है, ग्रुप ऑफ ब्रिक्स जब बनता है तो क्या बनती है, वॉल्स बनती है, अलग अलग हमारे कमरों की दीवारें बनती हैं। और जब वो दीवारें बनती हैं तो वो क्या बनाती हैं, हमारे घर के रूम्स। और रूम्स मिलाकर, सब कुछ मिलाकर क्या बनता है, हमारे घर का, हमारा घर एक्चुअली। ठीक है, हमारा हाउस, आ कंप्लीटेड हाउस। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी यही शुरुआत होती है। सबसे जो नींव है हमारी बॉडी की, जहाँ से ये बॉडी का इवोल्यूशन हुआ, जहाँ से हम बड़े हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स पहले ऐसे थे जिनके पास सिर्फ एक सेल हुआ करता था। ठीक है, और उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुए कि आज जो हम, आप मेरे सामने बैठे हो या मैं आपके सामने खड़ी हूँ, और उसके वो हम दोनों कैसे ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है। यानी कि बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारी ब्रिक्स हैं यूकेन से। ठीक है, तो अब सबसे पहले सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो उन्हें ग्रुप ऑफ सेल्स बोला जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स का एक टर्म है टिश्यूज। ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर में आप टिश्यूज के बारे में ही पढ़ने वाले हो। तो टिश्यूज के बाद जब टिश्यूज मिलेंगे साथ में तो क्या बनाएंगे, हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाएंगे यानी कि ऑर्गन्स। जैसे कि आपके मसल्स हैं, चाहे हमारी स्किन है, बोन्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो किसी ना किसी बोन या मसल स्ट्रक्चर से ही जुड़ के बने हैं, तो वो सब क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और ये हमारी पूरी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पैर सब कुछ मिलके बेसिकली बनाते क्या है, हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपका सेल बेसिकली है क्या, करता क्या क्या है। अब इसके करने पे अभी हमने ज्यादा बात नहीं करी, बट आपको आइडिया लग गया है कि बॉडी में कोई भी फंक्शन अगर होना है, हमारे बॉडी के पार्ट में अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, तो बेसिकली वहाँ पे काम कौन कर रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स काम कर रहे हैं। और सेल्स मतलब एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, विच इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए अब बात आती है, अभी हमने ये सब देखा कि सेल क्या है, सेल को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, बट अब आया कि सेल पढ़ना पड़ रहा है
किसकी वजह से? तो सेल करना पड़ रहा है रॉबर्ट हुक की वजह से, ठीक है। ये 1665 में इन्होंने कुछ इन्वेंशन किया, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये। अब एक्सपेरिमेंट सोचो किसके साथ कर रहे थे, जाहिर सी बात है किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा होगा ना, अदरवाइज सेल कैसे आता। तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था एक ट्री के कॉर्न के साथ, ठीक है। आप कॉर्न कैसे समझ सकते हो, जैसे बार्क, किसी भी ट्री के बार्क का हिस्सा, ठीक है। तो कॉर्न के साथ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था कॉर्क ऑफ अ ट्री के साथ, जिसमें इन्होंने जिससे इन्हें सेल का इंट्रोडक्शन मिला या फिर इन्वेंशन किया गया, ठीक है। सेल एक लैटिन वर्ड है, इसका नाम भी कैसे रखा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। तो बेसिकली बहुत सारे रूम मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हो गया कि साइंटिफिकली कहाँ से आया है, क्या मतलब है, सब कुछ। तो हमारी बॉडी में अगर हमसे कंपेयर करें ना, आप ऐसे समझो जैसे मेरी बॉडी में सभी पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर हमें हमारी बॉडी में सभी पार्ट्स हैं, लाइक अगर हमारी बॉडी को डाइजेशन करना है, हमारे फूड को पचाना है, तो पूरा प्रोसेस हमारा इंटरनल ऑर्गन्स का लग जाता है, चाहे माउथ से लेकर जब तक हमारा वेस्ट निकल नहीं जाता, ठीक है। पूरा प्रोसेस हमारा लग जाता है और हमारे बॉडी वेस्ट को पहले हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है और उसके बाद उसको वेस्ट को निकाल देता है ना। इसी तरीके से हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स ना काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस को, प्रिपरेशन ऑफ फूड हो चाहे वेस्टेज ऑफ फूड हो, वेस्ट करके निकालने वाला काम हो, ऐसा सब काम। सिमिलरली ये सब चीजें सेल के अंदर भी होती हैं। सेल अपने आप में पूरी एक बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर आपको छोटा इसका सेंट्रल हार्ट जैसा पार्ट भी मिलेगा। सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको सभी चीजों से एक बार इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो सेल के अंदर एक हार्ट जैसा पार्ट भी मिलेगा, इसकी एक कवरिंग भी मिलेगी जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, जैसे कि हमारी स्किन, ठीक है। इसी तरीके से आपको छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे। एक पार्ट ऐसा होगा जो खाना बना रहा है, एक ऐसा होगा जो खाने को ट्रांसफर कर रहा है, और एक ऐसा होगा जो उस खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद उसके वेस्ट को भी निकाल रहा है, ठीक है। तो अपने आप में अगर आप सेल को पढ़ने लगोगे ना, तो इट हैज लॉट ऑफ फंक्शंस एंड प्लस उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो सेल के बॉडी पार्ट्स को कहते क्या है, आप उसे सिंपली पार्ट्स भी बोल सकते हो। अदरवाइज अगर हमें अपनी बुक के अकॉर्डिंग जाना है तो सेल के पार्ट्स को सेल ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सेल के बारे में इंट्रोडक्शन। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे हमारा सेल कैसे डिवाइडेड है, कितना यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या है। प्लस इससे पहले एक बात और है कि हमारे सेल के अलग अलग शेप और साइजेस होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में हो चाहे किसी भी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो, बट उनका जो शेप और साइज है वो डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है। अभी आप थोड़ी देर में पढ़ लोगे कि अमीबा है क्या, तो अब अच्छा पहली बात नाम पे मत जाओ, अलग अलग सी प्रोनाउंसिएशन आपको ऐसे चैप्टर्स में खासकर पढ़ने को मिलेगी, पर डोंट वरी हमें रटना नहीं है, धीरे धीरे अपने आप इतनी बार नाम लेंगे ना कि याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा का ना फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि वो जैसे शेप चाहे वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग बना लेता है। अगर आपको ऐसे समझना है तो आप ऐसा समझ लो कि आपके हाथ का जो साइज है, एक्चुअल में साइज इससे छोटा होता है, बट ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा नर्व सेल। नर्व सेल का काम क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेजेस को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो नर्व सेल की शेप नहीं बदलेगी क्योंकि वो तो पूरे बॉडी में फैला हुआ है ना, उसे अपनी शेप बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल्स हैं जो कि मैसेजेस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी जो शेप और साइज होते हैं सेल्स के, वो डिपेंड करते हैं कि सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेल का इंट्रोडक्शन। नाउ विल स्टार्ट कि हमारा सेल कैसे डिवाइडेड है, व्हाट इज यूनिसेलुलर, व्हाट इज मल्टीसेलुलर, और हमारे सेल के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टिल देन स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।